तो नमस्कार किसान भाइयों, किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं धनुका कंपनी की डोमर इंसेक्टिसाइड के विशेषताओं के बारे में। जी हां किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डोमर कीटनाशक के टेक्निकल के बारे में, इसकी क्या कुछ खास विशेषताएँ हैं, कौन सी फसलों पर आप इसका छिड़काव कर सकते हैं, यानी कि कंपनी द्वारा क्या इसकी रिकमेंडेड क्रॉप्स हैं, कौन से कीटों को यह काफ़ी अच्छे तरीके से नियंत्रित करता है, क्या इसका डोज है, प्राइस है, सारी विशेषताओं पर आपको डिटेल में जानकारी देंगे। तो वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहें और सारी जानकारी हासिल करें। किसान भाइयों, धनुका कंपनी का जो डोमर कीटनाशक है, इसमें जो हमें टेक्निकल देखने को मिलता है वो है डाइनोटिफ्रॉन, जो कि 20% SG फॉर्मुलेशन में हमें देखने को मिलता है, यानी कि सोल्यूबल्स ग्रेन्यूल फॉर्म्स में हमें यह टेक्निकल धनुका कंपनी का डोमर कीटनाशक प्रोवाइड कर रहा है। यार किसान भाइयों, यह एक सिस्टमिक कीटनाशक है, यानी कि अंतरप्रवाही कीटनाशक है, कीटों के सिस्टम पर जाकर अटैक करता है और उनकी मृत्यु कर देता है। किसान भाइयों, इसके जो कुछ खास फीचर्स हैं जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताए थे कि हम उस पर भी चर्चा करेंगे, तो इसमें हमें क्विक नॉकडाउन एक्शन देखने को मिलता है, यानी कि यह अपना काम इसके छिड़काव के तुरंत बाद से ही करना शुरू कर देता है। मुख्य रूप से इसको हम BPH यानी कि ब्राउन प्लांट हॉपर्स को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, जो कि हमारी धान की फसल पर लगते हैं, उनको काफ़ी इफेक्टिव तरीके से यह कीटनाशक नियंत्रित कर लेता है। इसमें हमें ट्रांसलेमिनार एक्शन भी देखने को मिलता है, यानी कि दवा का छिड़काव यदि आप पत्ते के फ्रंट भाग यानी कि सामने के भाग पर करते हैं तो उसका जो असर होता है उसके पीछे के भाग पर भी हमें देखने को मिलता है। इसमें हमें 3 घंटे की रेनफास्टनेस भी देखने को मिलती है, यानी कि आप इसका छिड़काव करते हैं और इसके तुरंत 3 घंटे बाद अगर वर्षा हो जाती है तो भी हमें इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसमें हमें लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ कंट्रोल भी देखने को मिलता है, यानी कि लंबे समय तक यह कीटों को काफ़ी इफेक्टिव तरीके से नियंत्रित कर लेता है। किसान भाइयों, यदि हम बात करते हैं धनुका कंपनी का जो डोमर कीटनाशक है, इसे हम कौन सी फसलों पर छिड़काव कर सकते हैं, तो किसान भाइयों, धनुका कंपनी जो द्वारा जो रिकमेंडेड क्रॉप्स हैं, धान एवं कपास यानी कि पेडी एवं कॉटन की फसल पर यदि आप छिड़काव करते हैं काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। वहीं बात करते हैं कौन कौन से कीटों को यह नियंत्रित करता है, तो यह BPH यानी कि ब्राउन प्लांट हॉपर्स, वाइट फ्लाई, जेसिड, एफिड, थ्रिप्स को इन दोनों फसलों पर काफ़ी इफ़ेक्टिव तरीके से नियंत्रित कर लेता है। कहना चाहिए 100% रिजल्ट हमें धान और कपास पर BPH, वाइट फ्लाई, जेसिड, एफिड, थ्रिप्स के देखने को मिलते हैं। यह रस चूसक कीटों को काफ़ी इफेक्टिव तरीके से नियंत्रित कर लेता है। किसान भाइयों, यदि हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में, तो जो इसका अनुमानित जो डोज है 60-80 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, आपको ध्यान ज़रूर ये रखना है, जब भी आप दवा का परचेस कर रहे हों तो आपको एक बार सप्लायर यानी कि दुकानदार से इसके डोज के बारे में ज़रूर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना है और इसके बारे में जानकारी भी ले लेना है, क्योंकि हर जगह पर जो मिट्टी होती है उसके हिसाब से अलग अलग एनवायरनमेंट होती है, उसके हिसाब से अलग अलग डोज हमें लेना पड़ता है। तो किसान भाइयों, डोज के बारे में ज़रूर से ज़रूर आपको कंसल्ट कर लेना है। उसकी जो कीमत है किसान भाइयों, 100 ग्राम की इसकी जो कीमत है 800 से 900 रुपये के बीच में हमें देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलती है अगली वीडियो में ऐसी ही किसी जानकारी के साथ। धन्यवाद।